बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सीएम योगी ने बयान दिया है, ईद की नमाज सड़कों पर नहीं ईदगाह में पढ़ी जा रही है। ये सीएम योगी ने कहा है, आज कोई भी सड़क कहीं पर भी बंद नहीं है, प्रदेश में कानून सभी के लिए एक समान है। इतनी बड़ी व्यवस्था है, बहुत सारे राज्यों की आबादी जहां से शुरू होती है उतने हमारे राज्य में उतनी बड़ी तो बहुत सारे मत और मजहब से जुड़े हुए उनके लिए ही रहते हैं, लेकिन कितनी शांति है, कोई दंगा नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। आज ईद है, ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन एक भी सड़क पे नहीं हो रही है, ईदगाह में होगी, किसी का आवागमन बंद नहीं। आप लोग भी आए होंगे रास्ते से, कोई आवागमन कहीं किसी का अवरुद्ध तो नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है ये कानून का राज सबके लिए समान रूप से है और सबके बराबर लागू होता, सबके बराबर लागू होता, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, कानून सबके लिए समान है। लेकिन तब हर समुदाय का विश्वास तब जुड़ता है जब एक संवेदनशील प्रशासन होता है। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सीएम योगी ने बयान दिया है, ईद की नमाज सड़कों पर नहीं ईदगाह में पढ़ी जा रही है। ये सीएम योगी ने कहा है, आज कोई भी सड़क कहीं पर भी बंद नहीं है, प्रदेश में कानून सभी के लिए एक समान है। इतनी बड़ी व्यवस्था है, बहुत सारे राज्यों की आबादी जहां से शुरू होती है उतने हमारे राज्य में उतनी बड़ी तो बहुत सारे मत और मजहब से जुड़े हुए उनके लिए ही रहते हैं, लेकिन कितनी शांति है, कोई दंगा नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। आज ईद है, ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन एक भी सड़क पे नहीं हो रही है, ईदगाह में होगी, किसी का आवागमन बंद नहीं। आप लोग भी आए होंगे रास्ते से, कोई आवागमन कहीं किसी का अवरुद्ध नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है ये कानून का राज सबके लिए समान रूप से है और सबके बराबर लागू होता, सबके बराबर लागू होता, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, कानून सबके लिए समान है। लेकिन तब हर समुदाय का विश्वास तब जुड़ता है जब एक संवेदनशील प्रशासन होता है।